हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़की एक लड़के से किस तरह का प्यार चाहती है। देखो दोस्तों, आज के टाइम में जिस तरह से ज़माना काफ़ी हद तक बदल चुका है, लोग काफ़ी हद तक मॉडर्न हो चुके हैं, ठीक है। तो मॉडर्न ज़माने का असर जो होता है लोगों की सोच समझ पे भी काफ़ी हद तक दिखता है, और इसका असर लड़कियों पे भी होता है। देखो पहले की बात करें तो पहले के टाइम में ज़्यादातर जो फीमेल्स होती थी, लड़कियाँ होती थी, उनको अपने पार्टनर से ज़्यादा किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होती थी, ठीक है। उनका पार्टनर जिस हाल में जैसे रखता था वो उसी में ही खुश हो जाती थी, उनकी नज़र में प्यार वही चीज़ होता था। लेकिन आज के टाइम में जो है ना, लड़कियों की सोच काफ़ी हद तक बदल चुकी है, उनकी नज़र में प्यार का अलग अलग मतलब है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगी कि लड़की लड़के से किस तरह का प्यार चाहती है, ठीक है, उसे कैसा प्यार चाहिए। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखो, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आई वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली जो चीज़ है वो है फिजिकल नीड। देखो कहते हैं ना कि हवस के पुजारी होते हैं, तो जहाँ हवस के पुजारी होते हैं वहाँ हवस की पुजारन भी होती है, ठीक है। हमने बहुत से लोगों से ये कहते सुना होगा कि आज के टाइम में लड़कियाँ भी ये चीज़ में पीछे नहीं हैं, और इस बात को आप गलत नहीं ठहरा सकते, काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि लड़कियों की सोच भी काफ़ी हद तक बदल चुकी है, और उनकी जो बेसिक नीड है वो कहीं ना कहीं फिजिकल पे आगे ना रुक जाती है। उनको ऐसा बढ़ना चाहिए होता है, या उनकी नज़र में यही प्यार होता है कि एक लड़का उनकी फिजिकल नीड को पूरा करे, उनकी इस ज़रूरत को पूरा करे, ठीक है। और यही सोचकर वो रिलेशनशिप में आती हैं, और अगर उनका पार्टनर एक लड़का उनकी इस उम्मीद को पूरा करता है तो उनकी नज़र में प्यार की डेफिनेशन ही यही होती है कि हाँ, उनका पार्टनर उनको बहुत प्यार कर रहे हैं, ठीक है, उनको पूरी तरह से अंदर से उनको खुशी वो चीज़ चाहिए, जो चीज़ चाहिए थी वो दे रहा है, तो वो उसी को ही प्यार समझती हैं, ठीक है, प्यार समझती हैं। तो ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है कि प्यार का दिखावा, ठीक है, मन को सेटिस्फाई करना। कुछ ऐसी लड़कियाँ होती हैं ना जिनको सिर्फ ऊपर से पसंद होता है, ठीक है, ऊपर ऊपर का प्यार करने में अच्छा लगता है, मतलब कि बॉयफ्रेंड तो बना लिया लेकिन करना कुछ नहीं है, ठीक है, लड़की या सहेलियों को दिखाने के लिए, ठीक है, कि हाँ भाई वो भी उनका भी बॉयफ्रेंड है, वो सिंगल नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में ऐसे बहुत से लड़के होते हैं, बहुत सी लड़कियाँ होती हैं कि जिनका रिलेशनशिप नहीं होता है ना, अक्सर उनको इस चीज़ से देखते हैं कि इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो क्वालिटी ही नहीं है कि कोई उनसे बात करे, कोई उन्हें पसंद करे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, लड़की अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए बॉयफ्रेंड तो बना लेती है लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से, उनको उस रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है कि बॉयफ्रेंड बना लिया, कहीं बाहर जाना हो तो टाइम पास करने के लिए बातचीत कर लिया, फ़ोन पर बुला लिया, चलो वहाँ चलते हैं, ठीक है, एक तरह से दिखावा करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कि हाँ भाई वो भी रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो इस टाइप की भी लड़कियाँ होती हैं, तो वो भी रिलेशनशिप में आती हैं, उनकी नज़र में यही प्यार होता है कि बॉयफ्रेंड बना लिया, बस आगे कुछ करना नहीं है, ठीक है, बाकी लड़के लड़का जो सोच के रिलेशनशिप में है उसकी बाढ़ में जाए उससे उन्हें मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपनी बड़ी होती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़ है कि अंधा प्यार। देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिनकी नज़र में प्यार यही होता है कि कोई लड़का उनसे अंधा प्यार करे, ठीक है, मतलब प्यार की कोई हद ही ना हो, ठीक है, उनको उस रिलेशनशिप में उनकी हर चीज़, हर जो वो चीज़ सोच रखी है ना, क्योंकि पार्टनर उनके लिए हर क्लियर अंधा प्यार का होता है कि लड़की ने या पार्टनर जो कहा उसको मानना, उसकी एक लिमिट से चीज़ें जो बाहर होने लगती हैं, ठीक है, उसी को काफ़ी हद तक अंधा प्यार कहते हैं। तो एक लड़की की नज़र में ये भी प्यार होता है, लड़की को इस तरह के प्यार की भी उम्मीद होती है एक लड़के से, और अगर उनकी लाइफ में एक ऐसा लड़का आ जाता है, ठीक है, जो उनके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार होता है, लड़की को अंधा प्यार करता है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है, तो लड़की की नज़र में यही प्यार होता है, ठीक है, वो इसी से ही खुश हो जाते हैं कि उनका पार्टनर है एक लड़का उसे अंधा प्यार करते हैं, तो ये भी प्यार होता है। इसके अलावा अगली जो चीज़ है वह है मतलब का प्यार। देखो कुछ ऐसी लड़कियाँ होती हैं, देखो आज के टाइम में कहते हैं कि आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं, अगर किसी को आपसे मतलब होगा ना तो वो आपके पैर तक पड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब निकल गया तो आप कौन और वो कौन, जान पहचान ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही कुछ लड़कियाँ भी होती हैं जिनको सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना होता है कि मतलब के लिए रिलेशनशिप में आ गई, जैसे फ़ोन रिचार्ज कराना हो, बाहर शॉपिंग पर जाना हो, ठीक है, मूवी देखने जाना हो, घूमना फिरना हो, ठीक है, इस चीज़ के लिए वो रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, कि अपना मतलब निकाल लिया, अपना मतलब जब तक है तब तक बॉयफ्रेंड बना रखे हैं, मतलब निकल गया तो फिर छोड़ दिया या ड्रॉप कर दिया। तो
कुछ ऐसी मतलबी लड़कियां होती है ना, उनकी नज़र में प्यार यही होता है, ठीक है, कि उन्हें एक लड़के से इसी तरह का प्यार चाहिए होता है कि उनका जो पार्टनर है वो उनकी हर एक ज़रूरत को, हर एक नीड को पूरा करें, ठीक है। और जहाँ उन्हें ऐसा लगता है ना कि ये लड़का उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई और उससे अच्छा रिच लड़का उनकी लाइफ में आ सकता है या आने की उम्मीद है, तो उसको ड्रॉप करके उसके पास चली जाएँ, क्योंकि उनको वो उनकी नज़र में प्यार यही है कि वो उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। और ऐसी लड़कियाँ जो होती हैं ना, उनका वो एक तरह से रिलेशनशिप में कभी सीरियस नहीं होती हैं, उनको सिर्फ अपना मतलब निकालना होता है। मतलब निकालने के बाद मतलब वो कौन और आप कौन, नाता ही ख़त्म हो जाता है, रिश्ते जो नाते होते हैं वो सब दूर के हो जाते हैं। इसके अलावा अगली जो चीज़ है कि कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिनको उस प्यार से सिर्फ केयर चाहिए होती है, अटेंशन चाहिए होती है। उन लड़कियों की नज़र में प्यार यही होता है कि उनका जो पार्टनर है उनकी केयर कर रहा है, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहा है, उनको अटेंशन दे रहा है, उनको ये फील करा रहा है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है। तो ऐसी लड़कियाँ जब रिलेशनशिप में आती हैं तो वो इसी को ही प्यार समझती हैं कि अगर लड़का उनको टाइम दे रहा है, अगर उनको अटेंशन दे रहा है तो वो लड़का उनसे बहुत प्यार करता है, बेशक वो उनके लिए कुछ करे या ना करे, बस उनको अटेंशन दें, ठीक है, वो कुछ बोल रही हैं, कहीं जा रही हैं तो उनके लिए अवेलेबल रहे, ठीक है। अगर लड़के की तरफ से केयर दिखती है, उनको अटेंशन दिखती है, तो वो इसी को प्यार समझती हैं। और ऐसी लड़कियां ज़्यादातर सीरियस नहीं होती हैं, ठीक है, उनको सिर्फ ये चीज़ होती है कि कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं ना जो रिलेशनशिप में पूरी तरह से अटेंशन की भूखी होती हैं, ठीक है, उनको अटेंशन मिलनी चाहिए, केयर मिलनी चाहिए, हर तरह से कोई उनको पैम्पर करता रहे, उनको ये एहसास कराए कि हाँ हम तुम्हारे लिए हैं, अवेलेबल हैं, तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, तुम पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, तुम यहाँ पे हो, हम नोटिस कर रहे हैं तुम क्या कर रही हो। ऐसी लड़कियाँ होती हैं ना, तो उनको जो है ना उनके लिए प्यार यही होता है, ठीक, वो यही इसी चीज़ का प्यार जो लड़के से जाती हैं। अगला पॉइंट है टाइम पास वाला प्यार। देखो बहुत सी लड़कियों की नज़र में प्यार की डेफिनेशन ये होती है कि सिर्फ टाइम पास के लिए रिलेशनशिप में आना, ठीक है, मन भर गया तो ड्रॉप करना, छोड़ देना, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाना। जब तक मन है तब तक इच्छा है, तब तक साथ हैं और नहीं तो छोड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ लड़कियों का गेम ही यही होता है, प्यार ही यही होता है, इसी को ही वो प्यार समझती हैं कि ठीक है मन को खुशी मिलनी चाहिए कि हाँ टाइम पास होना चाहिए, बोर हो रहे हैं तो किसी और से बात कर लिए, ठीक है, उससे बोर हो रहे हैं तो किसी थर्ड से बात कर लिए, ठीक है। तो जो लड़की का प्यार है, लड़की किस तरह का प्यार चाहती है, ये चीज़ लड़की की काफ़ी हद तक पसंद के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, उसकी नज़र में लड़की किस तरह से सोचती है, प्यार को किस नज़र से देखती है कि उसके लिए प्यार क्या है, ठीक है, प्यार की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये उस लड़की की सोच समझ पर डिपेंड करती है। और इसी तरह का प्यार जो है ना, जो उसने सोचा हुआ है, अगर कोई लड़का उसे ये चीज़ वो चीज़ देता है तो उसके लिए वही प्यार है। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।